बढ़िया भाई, अपना लीडल, अपना सुबह सुबह तो देख सारी चीज़ें फ्रेश लग रहा है, हर एक चीज़ मिलेगी। ऐसे तो यहाँ पे भाई सारी चीज़, सारी दारू मिल जाएगी, लेकिन जो इंडिया के ब्रांड है वही नहीं यहाँ पे मिलेंगे। ये देखो भाई, इसका कुत्ता ना, इससे छोटा तो ही नहीं सकता। चलो एंड बेटा, जल्दी खड़े हो, चलो 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 चलो। यहाँ पे भाई क्या होता है कि जब आपके पास बेबी होता है तो उसकी जो आपको 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद अपॉइंटमेंट्स आती हैं, तो जब तक वो 4-5 साल का नहीं होता। तो रायन की भी ऐसे अपॉइंटमेंट्स आती हैं, तो लास्ट की जो अपॉइंटमेंट थी मेरी जनवरी में आई थी, तो उस टाइम भी नर्स ने बोला था कि बोल नहीं रहा है। तो आपने लास्ट के ब्लॉग्स में देख लो ना कि भाई वो ठीक ठाक बोल लेता है। नर्स को बोला हमने लास्ट टाइम कि भाई वो बोलता है, बट वो कहते हैं कि नहीं बोलता है। तो भाई आज उसी की अपॉइंटमेंट है, उन्होंने चेक करना भी वो कितना बोलता है, बोलता है नहीं बोलता है। तो भाई बोलने के ऊपर ही है बस आज की अपॉइंटमेंट। हाँ नहीं, भर लिया था ये फॉर्म ना, तो इस फॉर्म पे अभी सारी डिटेल रहा है इनकी कि क्या करता है, क्या नहीं करता है, कब करता है, कैसे करता है ना बेटा। लो भाई, बाहर का मौसम हो रहा है इस टाइम, चल रही है इस टाइम भाई, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है और बारिश हो रही है। तो ले लिया डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी, ले लिया। आईडी वगैरह तो नहीं चाहिए ना? नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ें। हाँ बेटा, वाह, लगा दी मैंने सीरियल ड्राइंग का। और देखेंगे भाई की क्या बोलती है नर्स। होपफुली आज रायन जैसे उसके सामने अगर जो साथ में अगर जो बोल लिया जैसे हल्का फुल्का, उन्होंने बोला था लास्ट टाइम कितने वर्ड्स बाबू ना, 20 वर्ड्स उन्होंने बोला था कि भाई इतना तो बच्चा बोलना चाहिए इस एज में ना। तो लास्ट टाइम वो नहीं बोला, उन्होंने कहा कि नहीं दोबारा से ब्लॉक लेकर आना पड़ेगा, तो भाई आज लेके जा रहे। और आने के बाद खेलते हैं भाई अपने क्रिकेट, ट्राई करेंगे यहीं पे लोकल देसी क्रिकेट दिखाएंगे आपको। बट मेरे को लग रहा भाई खेले जाएगा क्रिकेट, क्योंकि ना बारिश का मौसम महसूस हो रहा है। ठीक है बेटा, रायन बाय बाय कर दो। पूरा पक्का भाई पता है इसको, हमारी बात तो सारी समझाए और बॉल भी लेवा बेटा, वहां भी जाएगा बॉल लिए रायन। ठीक है, यस पापा। यस पापा तो कह रहा है बेटा, देख तेरे कारण हमने इतनी जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, सुबह सुबह उठ के 9 बजे। तो है भाई अपना लोकल हेल्थ केयर नर्स वगैरह ना, जो यहाँ पे चेक करते अपना बेबी को। हाँ यही है बेटा, चलो वेट करो बेटा, थोड़ी देर में नर्स आने लग रही है। ओके, बोलना रहा आपने ना, ठीक है, बोल लिए कुछ रायन आज से बिल्कुल भी नहीं बोल रहा बेटा। ओके पापा, ओके। बस बस कुछ भी कह दिए, बस ट्रेन जहाज दूध, और से मुंह भी नहीं बोल रहे। से थैंक यू दे दे बेटा। मैं जिस बात का डर था ना, खैर वो नहीं होया। तो रायन की जो भाई थेरेपी थी, अपना जो स्पीच थी, वो ठीक हुई। हाँ बेटा, हाँ रायन भाई वहाँ पर ठीक ठाक बोल रहा है। तो नर्स भी भाई खुश थी अपना, तो उन्होंने सारी हाइट चेक करी इसकी और अपना वेट चेक करा, जो इस एज के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए, जितनी हाइट होनी चाहिए, पूरी थी भावना है ना। हाँ, सही था। तो उसने बोला कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई कंसर्न नहीं है। तो हमको भी भाई कंसर्न नहीं था, वैसे तो मैं उसको फोन पे बोल रहा था, वैसे तो आने की जरूरत नहीं, तो सबेरे सबेरे ठहर दिए। अब क्या होएगा भी ना, अब जैसे इसके स्कूल वगैरह शुरू होंगे सितंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे, एंड ऑफ अगस्त, तो वो कह रहे कि ना तब हम इसको दोबारा से अपना चेक वगैरह करेंगे। वैसे भाई हर बेबी को, बच्चे को करते हैं वो, जब भी अपना स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने से पहले कि बेबी रिएक्ट कैसे कर रहा है, बेबी सब कुछ चीजें देख रहा है, उसको कलर अलग अलग दिख रहे हैं काफी भाई, जैसे बच्चों के बारे में यहाँ पे ना काफी वो जांच करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज भी है। वेट हो रही है भाई, सामने जो इंडियन देख रहे हो ना आप शॉप, वो उसका शटर ऊपर होएगा, तब जाके हम भाई वहाँ से सामान खरीदेंगे। पानी में अभी टाइम पास कर रहे हैं 5-10 मिनट अपना मस्त जी का व्लॉग देख कर। इंडिया में भी पूरी बारिश हो रही है ना, है सारा सामान। चलो फिर, और स्टैंप लगा दी उसको भाई। ये अपना मेन स्ट्रीट है सोर्ट्स की, आसपास सारी दुकानें हैं, और यहीं पे भाई अपना बैंक हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड ये बैंक है और राइट हैंड साइड भाई बैंक है गया। तो इस टाइम भाई ट्रैफिक हो जाए मोस्टली भाई, जब यहाँ पे बारिश हो ना हमेशा ट्रैफिक मिलेगा अपना, और मोस्टली 10 बजे तक, क्योंकि ना भाई इस टाइम ऑफिस का टाइम हो। ऐसा वेदर देख के ना लग नहीं रहा भाई कि ना आज ना क्रिकेट खेली जाएगी, क्योंकि बारिश चल ही रही, और बारिश बताई रखी 11-12 बजे तक बारिश बताई रखी। रायन का रिएक्शन भाई ना, अपना सामने जो लिटिल देख रहे ना, इसने देखा हमेशा ऐसे ही आओ भाई, खुश हो जाओ ना देख कर। हल्की फुल्की भाई शॉपिंग करनी है, जो डेली रूटीन का सामान हो हमारा। वैसे तो भाई हम 4th-5th दिन शॉपिंग कर रही हैं, तो यहाँ पे कितना एक्सपेंस वगैरह हो गई ग्रोसरी, उसके लिए मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हो अगर आप नए आ रहे हो डबलिन आयरलैंड में। और ये भाई अपना लीडल, अपना सुबह सुबह तो देख सारी चीजें फ्रेश लग रही है, हर एक चीज मिलेगी। रेड ग्रेप्स ले बेटा, ये भी रख लो। हाँ ये भी लेना बेटा ना, जो सारा सामान तो भाई अपने आप रखेगा, वो क्या क्या होना चाहिए। लीडल की अपना भाई जो ट्राउजर, लीडल के शूज, और लीडल की अपना रही भाई शॉक्स। इधर है रायन का दूध, हाँ जले का काम करा करा बेटा, 3 लीटर का लिए 3 का।
यो अपना लेके आया अलग, जो लीडल है अपना सामने, अपना फ्रूट वगैरह की शॉपिंग करते हैं यहीं पे भाई, अपना ठेको हुआ। ऐसे तो यहाँ पे भाई सारी चीज सारी दारू मिल जाएगी, लेकिन जो इंडिया के ब्रांड है वही नहीं यहाँ पे मिलेंगे। सर यह कि यहाँ पे भाई अगर जो अपने दारू वगैरह लेनी होते हैं तो 18 साल से ऊपर, आपकी ID वगैरह चेक करा। वैसे भी हमारे थोपड़े ने देखा तो लगी जावा अभी 18 से ऊपर ही होना, तो वैसे यहाँ पे कुछ लेना तो है नहीं। बट एक भाई की रिक्वेस्ट थी भाई मोस्टली यहाँ पे जो बियर्स की जो केस की जो पेटी है वो कितने की मिलती है, तो भाई बुडवाइजर की लगी हुई है 15 यूरो 27 की, वो तो बड़ी सस्ती लग रही भाई। नहीं 15 यूरो की 15 ही है भाई, है ना 18 की है। कैंस लगी हुई है जो कार्लसबर्ग की। तेरा सामान नहीं है यहाँ पे, तेरा दूध पर लग रहा है वो देख सामने। और यहाँ पे लग रही भाई अपना वाइन है अभी 7 यूरो 8 यूरो की। अच्छा चल ठीक है, ले भाई यो नहीं सामान खरीदने देता है। गिनीज है जो भाई आयरलैंड की है 19 यूरो 88 सेंट की 12 गिनीज। अगर आप यहीं पे कमाई कर रहे हो यहीं पे भाई खरीद रहे हो तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती है। जेम्सन भाई डैडी ने बड़ी पसंद आई थी 21 यूरो की। वेरी गुड राइन, अपने आप निकाल दी देना। तो हर ना इस टाइम वो ऐसे हो रहा है कि ना हवा चल रही बट ना बारिश बंद होगी, शुरू हो जाएगी 10-15 मिनट के बाद। तो ट्राई रहेगी भाई ना कि अपना जिम जाया जाए ना, खेलने की बजाय जिम जाएंगे अपना। मम्मा लगा गई राइन, मैंने पता बट मम्मा लगा देगी। ओके बेटा तेरे पर नहीं लगने का राइन ना बेटा, आपके पास थोड़ा लग जाएगा सारा। फाइनली जिम की तरफ। और सुबह तो भाई आज ना बिजी रूटीन चल रहा है बिल्कुल ना, क्योंकि शाम के टाइम भाई अपना काम भी है, शॉप पे जाना है, दुकान पे जाना है। दूसरा क्या है ना भाई, अगर आपने जिम भी ज्वाइन कर रखी है या फिर करनी है इन फ्यूचर, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिम भाई जितने आपके घर के अपने रहने के भाई ना जितने पास है ना उतनी आपको बेनिफिट होता है। मतलब कि भाई जैसे मेरे आप लेट हो रहे हो, मैं ना अभी तो अगर यही जिम भाई मेरे से लगा लो 20-25 मिनट की ड्राइव पे होनी थी तो मैंने जिम नहीं जाना था, बट ये घर के बिल्कुल पास में है, नियरली मेरे को भाई 2 मिनट लगा ड्राइव करते हुए। लेफ्ट हैंड साइड भाई ये देख रहे हो ना बड़ी सी बिल्डिंग, ये आगे अपना जिम। और दूसरा भाई अगर आप पूछोगे ना कि भाई यहाँ की जिमों में बाहर की फॉरन की जिमों में और इंडिया की जिमों में क्या फ़र्क है, तो कोई फर्क नहीं है भाई ना, अपना इक्विपमेंट वगैरह भी सारे सेम ही है, थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं। लेकिन इंडिया की जिम है ना वहाँ पे भाई जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बड़े सही होते हैं, यहाँ पे भाई वो आपको ट्रेन करने के अपना पैसे लेते हैं, यूरो लेते हैं तो भाई ना। लेकिन जो इंडिया में इंस्ट्रक्टर होता है वो भाई अपना सही होते हैं, वो बढ़िया कराते हैं अपने ना, और चार्जेस भी नहीं करते हैं। जो ज्यादा पर्सनल आप उनसे ट्रेनिंग लोगे तो भाई वो अपना चार्ज लेते हैं। तो भैया थी अपनी जिम, जिम का क्या है कि भाई मैं अंदर दिखा नहीं पाता हूँ ज्यादा, क्योंकि ना यहाँ पे अंदर शोर ज्यादा हुआ जिम के अंदर ना, तो कोई फायदा नहीं है भाई, आवाज नहीं आएगी तो भाई फायदा नहीं है वीडियो बनाने के अंदर। अपना अब सीधा जा रहे भाई घर पे जाके देखते हैं क्या बना होना। ओए ओवर एक्टिंग की दुकान, आ मेरा बेटा है क्या, क्या बनाया आज? मैंने बनाया छोले चावल। छोले और चावल भाई आप बताओ कि ना जिम के वास्ते सही है? वैसे चावल तो ठीक है ना। हाँ। शॉप पे जाने से पहले हल्की फुल कहा अपना भाई लंच कर लेंगे। लंच क्या, ब्रेकफास्ट और लंच कर रहे बेटा? ओ इसके सारे खिलौने इधर ही पड़े। रायन यू क्या कर रखे? किसके आए? ये यन के तो है बेटे, ये क्यों कर रखा है? बाहर निकल भाई ने तैयारी कर दे। तो ये बुक है दलीद ना इसकी? तो भाई यहाँ से बुक हुआ है लाइसेंस की, यहाँ से ना अगर आपने टेस्ट पास करना है अपना तो उसका पेपर भरना पड़ेगा ना। अच्छा ये भैया अपना कितने पेज के आया? मुश्किल है वैसे 250 पेज अराउंड के है भैया ना, इजिली है, इतनी मुश्किल नहीं है वैसे पास करनी ना। चल ठीक है बाय बेटा। चलो भाई फाइनली निकली अपना दुकान वास्ते। साथ में भी हमने पहले क्या करना है, पहले हमने बाय करना है भाई अपना दुकान वास्ते ना हल्का फुल्का जो सामान। वीक में एक दो बार हम बाय करते रहो, क्या है कि भाई कई बार ना डिलीवरी लेट हो जाए तो फ्रेश बाय करना पड़ा भाई फिर ना जाके। तो देसी दुकान से लेना भाई 3-4 आइटम है, उसके बाद अपना जाना अपने सीधा दुकान पे अपना ना भाई जहाँ पे अपनी शॉप है ये अपना देसी दुकान। वो भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, मैं दिखा नहीं पाया लेकिन ना जो रोड था भाई जिसपे हम चल रहे थे ना सीधा भाई अपना वो था क्लोज। तो हम बढ़ गए अपना भाई छोटे मोटे गांव में, आयरलैंड के भाई छोटे छोटे गांव, ये देख रहे हो ना भाई आसपास जो देख रहे हो आप घर बने हुए देख रहे हो, तो ये भाई अपना छोटे छोटे पिंड है गांव है यहाँ के ना, यहाँ से निकल रहे भाई होपफुली जो रास्ता जा रहा है सीधा अपना जो मेन रोड पे ले आएगा हमको ना, तो अदरवाइज भाई काफी ऊपर से घूम के जाना पड़ता। लो भाई एक छोटा सा पंग हो गया, छोटा सा क्या भाई बड़ा सा ही पंग हो गया। दुकान पे जाते जाते दुकान पे तो चल दिया बट जो भाई दुकान की चाबी थी की थी भाई वो रह गई घर पे क्या भाई जो दलवी था उसके पास रह गई। तो अब जो अपना स्टाफ है उसके पास आ रहे हैं, अभी उसके घर पे जा रहे हैं भी अपना, उससे चाबी लेंगे फिर अपना भी दुकान पे जाएंगे। तो उसका डोर कहाँ पे है वो आ गया भाई ना। थैंक्स बड़ी, इज दैट योर डॉगी? यह इट्स वेरी दैट्स वेरी स्मॉल मैन, इट लुक्स लाइक कैट मैन। यह टाइनी ब्रो, ये देखो भाई इसका कुत्ता ना, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो, हेलो ब्रो व्हाट्स द स्टाउडी यार रे। Anyway, I'm running late, buddy. Yeah, go on. See ya. तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय द व्लॉग।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वॉक के साथ। टिल देन टेक केयर।